ये है दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ का पुराना घर जो गांव में है, और ये है इनके घर का मेन गेट। अंदर देखिए सोफे वगैरह रखे हुए हैं, और ये आलीशान घर की प्राइस ना 1 करोड़ रुपए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के टड़वा गाँव में, और हमारे पीछे जो आप लोग घर देख रहे हैं ना, ये है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के माने जाने सुपर स्टार कलाकार दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ जी का घर, जो कि अभी आजमगढ़ से भाजपा की तरफ से सांसद हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको निरहुआ जी यानी कि दिनेश लाल यादव जी का इस घर का पूरा टूर कराने वाले हैं, और उनके बारे में भी अच्छे से आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। हम अभी गाजीपुर में ही मौजूद हैं, और आपको पता होगा कि निरहुआ जी का एक और भी नया घर बना है, और उस भी घर को हम आपको दिखाएंगे जो कि काफ़ी आलीशान बंगलो है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रोड है काफ़ी ख़राब रोड है उनके घर तक जाने के लिए। फिलहाल अब इस रोड का रिपेयरिंग किया जाएगा यानी कि ये रोड फिर से बनाया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको ना बाहर का भी नज़ारा दिखाता चलूं कि इनका जो घर है ना उनका गांव किस तरह से है। बस हम लोग निरहुआ जी के घर पे जो पुराना वाला घर है उनका वहां पर पहुंचने वाले हैं। अब वो आलीशान सा नया घर भी बनवा चुके हैं, उसका भी टूर कराएंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको उनके पुराने वाले घर को दिखाएँगे। देखिए वो यहाँ से कोठी जो दिख रही है ना सबसे ऊँची सी, वही निरहुआ जी का घर है। तो देखिए यहाँ पर निरहुआ जी के घर के सामने ये सड़क कैसी है, यही है निरहुआ जी का घर। तो चलिए थोड़ा सा उतरते हैं और आपको अच्छे से इनके घर का पूरा टूर कराते हैं। गेट के पास भी चलेंगे और वहाँ से भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। तो देख सकते हैं हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं निरहुआ जी के घर के सामने, और उनके आसपास काफ़ी सारे घर भी हैं। और ये है हमारे निरहुआ जी का घर जो कि 3 मंजिला है और आलीशान बंगलो है। अब वो ना इसी तरह से एक और अपना नया घर बनवाए हैं जो खेत में बनवाए हैं। फिलहाल ऊपर देखिए किस प्रकार से रेलिंग बनाई गई है, सीढ़ी भी बनाई गई है ब्लैक कलर में, और काफ़ी शानदार लग रहा है। और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, बाहर देखिए कितना ज़बरदस्त लाइट लगाया गया है। ये इनके घर का मेन गेट है जो काफ़ी डिजाइन से बनाया गया है, और ऊपर भी देखिए दरवाजे वगैरह जो खिड़कियां हैं वो साफ बाहर से दिखाई दे रही हैं। और इनका ये बालकनी ना सबसे शानदार है, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो यही है हमारे निरहुआ जी यानी कि दिनेश लाल यादव जी का पुराना वाला घर। और अब वो लोग नए घर में अपने शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन इस घर में भी रहना होता है लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर वो अपने नए वाले घर में ही रहते हैं। अगर आप लोग नए वाले घर का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी जाकर नए घर का ब्लॉग वीडियो देख सकते हैं, मैं बना चुका हूँ। तो देखिए साइड से इनके घर का कुछ ऐसा नज़ारा है, अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी लगाई गई है जो आपको शायद बाहर से देखने को मिलता होगा। तो ये मैं अपनी अपाची से आया हुआ हूँ, मेरी गाड़ी उधर खड़ी है। तो ये इनके घर के सामने का कुछ नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ, और ये इनके घर के बगल का नज़ारा देखिए, यहाँ पर सामने से नाली गई हुई है और कितना ज़्यादा घर बने हुए हैं यहाँ पर छोटे छोटे सुंदर से। और ये देखिए इनकी बालकनी, ये जो निरहुआ जी का यानी दिनेश लाल यादव जी का घर है ना, ये गांव में है यानी इनके घर के बगल में कई सारे और घर हैं सटे सटे, लेकिन अब जो उन्होंने नया घर बनवाया है ना उसको उन्होंने गांव से थोड़ा सा दूर खेत में बनवाया है। उसका ब्लॉग आप लोग डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। ये मैं इनका ना गांव वाला घर दिखा रहा हूँ जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये है, क्योंकि अंदर की फैसिलिटी ना काफ़ी अलग है। निरहुआ अपने परिवार के साथ अब इस घर में नहीं रहते हैं, वो अपने नए वाले घर में रहते हैं, लेकिन इस घर में भी आना जाना लगा रहता है। इनके सामने देखिए ये पूरा गांव घर बसा हुआ है, और ये घर इनका मेन गांव में ही पड़ता है। निरहुआ का जन्म ना 2 फरवरी 1979 को गाजीपुर जिले के टंडवा गांव के इसी घर में हुआ था, जो कि बहुत ही पहले पिछड़ा गांव था और ये लोग भी काफ़ी गरीब थे। निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव जी के पिता का नाम स्वर्गीय कुमार यादव है, और जबकि माता का नाम ज्योति देवी है। निरहुआ जी के पिता ना अब इस दुनिया में नहीं। निरहुआ की शादी सन 2000 में मनसा देवी से हुई है। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं अमित यादव और आदित्य यादव, और इनकी एक बेटी है जिनका नाम है अदिति यादव। तो ये आलीशान सा घर देखिए कितना सुंदर से इन्होंने अपने घर को बनवाया है। नया वाला घर इस रोड से सीधा जाकर करीब 300 मीटर की दूरी पर उन्होंने उस घर को बनवाया है। इतना ही नहीं, इनके
तीन भाई हैं, जो इनके सगे भाई हैं उनका नाम है प्रवेश लाल यादव, और दो चचेरे भाई हैं जिनका नाम है विजय लाल यादव और प्यारे लाल यादव। इनकी ना तीन बहनें भी हैं, जो सगी बहन है उनका नाम है ललिता यादव, और जो सौतेली बहन है उनका नाम है सुशीला यादव और आशा यादव। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, देखिए गेट को कितना सुंदर तरीके से इन्होंने बनवा के रखा हुआ है, दोनों तरफ लाइट लगाई गई है और काफ़ी मेंटेनेंस करवा के इस घर को उन्होंने रखा है। अभी भी इस घर में वो रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग उसी घर में रहते हैं। और ये इस घर की जो डिज़ाइन है ना, सेम डिज़ाइन उस वाले घर का भी बनाया गया है, लेकिन वो घर ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस में बनवाया गया है, इसका स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो चलिए थोड़ा सा मेन गेट की तरफ आगे चलते हैं और नज़दीक से आपको दिखाते हैं, शायद कुछ अंदर दिख जाए। तो ये है इनके घर का मेन गेट, तो अंदर देखिए वहाँ पर ग्रे कलर के सोफे वगैरह रखे हुए हैं, तख्त लगाए गए हैं, और ये काफ़ी ना सुंदर सा इनका घर देखने में लग रहा है, जो कि गाँव में है, मेन एकदम गाँव में। देखिए आसपास कितने ज़्यादा घर हैं और कितना यहाँ पर हरियाली भी देखने को मिल रही है। दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ ना एक फिल्म के लिए ना 40 से 60 लाख रुपए चार्ज भी करते हैं। इतना ही नहीं, इनके पास ना 42 लाख की रेंज रोवर और फार्चूनर और ट्रैक्टर ट्राली और मारुति सुजुकी और पल्सर बाइक भी मौजूद है। निरहुआ के पास गोरखपुर के जिले में 60 लाख का एक फ्लैट भी मौजूद है, और मुंबई के अंधेरी इलाके में ना 5 करोड़ का आलिशान इनका एक और भी फ्लैट है। निरहुआ के अगर टोटल नेटवर्थ की बात करें ना, तो इनका टोटल नेटवर्थ करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास में है। दोस्तों इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2001 में एक म्यूजिक एल्बम बुढ़वा में दम बार रिलीज करके की, और फिर इन्होंने 2001 में ही एक दूसरा म्यूजिक एल्बम मलाइक है बुढ़वा रिलीज किया। इनका ये दोनों ही एल्बम लोगों ने खूब पसंद भी किया। फिर साल 2003 में ये एक और म्यूजिक एल्बम लेकर आए जिसका नाम था निरहुआ सटल रहे। ये म्यूजिक एल्बम लोगों ने खूब पसंद किया और यहीं से इनका नाम ना निरहुआ पड़ गया। इसके बाद इन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और साल 2008 में फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, और आज उस मुकाम पे हैं कि इनके पास ना धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ है। तो ये इनका गांव वाला पुराना वाला घर है। इस वीडियो में मैंने आपको इनका पुराने वाले घर का पूरा ब्लॉग दिखा दिया है, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने नए वाला घर का ब्लॉग नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जाकर वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए कितना आलिशान सा इन्होंने अपना घर बनवा के रखा है और काफ़ी यहाँ पर डिजाइन भी किया गया है। दोस्तों निरहुआ का ये घर ना बिहार की सीमा के बहुत ही नज़दीक है, और यहाँ से बनारस की दूरी 70 किलोमीटर पर है। तो ये कहीं ना कहीं एकदम बॉर्डर पर ही इनका ये गांव जो है स्थित है। ऊपर देखिए सीढ़ियाँ कितनी डिजाइन के साथ बनाई गई हैं, काफ़ी शानदार सा लुक इस घर का दिया गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको बगल से भी दिखा रहा हूँ, तो उम्मीद करूँगा आपको मैंने इनके घर का पूरा टूर करा दिया है कि इन्होंने अपना पुराना वाला घर किस तरह से बनवाया था, और सेम डिजाइन का नया वाला भी घर इन्होंने बनवा के रखा हुआ है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं गाइस नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।